अभी जो मैथ्स का पेपर नंबर 1 हुआ उसमें ये वाला सवाल तुम में से किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, सभी ने इस सवाल को छोड़ दिया और उसके ऑप्शन में जो दूसरा था उसे अटेम्प्ट किया। खैर कई लोगों ने उस दूसरे सवाल के ऑप्शन वाले को भी गलत कर दिया, गलत फॉर्मूला लगाया, गलत प्लस माइनस किया, ठीक है वगैरह वगैरह। खैर अभी डिस्कशन इस बात पे चलेगा कि ये वाला सवाल आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो सवाल को एक बार रीड कर लेते हैं, सवाल में बोला क्या है। सवाल कह रहा है कि कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसिस इन इक्वल वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे दो शेप्स के बारे में बात हो रही है। एक शेप है आपके कोन के बारे में, चलो मान के चलो ये आप लोगों का कोन है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी बातचीत हो रही है एक हेमिस्फीयर के बारे में। मान के चलते हैं कि बाजू में जो मैंने ये शेप बनाई है ये आप लोगों का क्या है, हेमिस्फीयर। बोल रहा है कि ये दोनों शेप्स इस तरीके से बनाए हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम, ठीक है। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि दोनों के पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि मुझे नहीं पता कोन का वॉल्यूम कितना है, बट हाँ वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, आप लोगों का हेमिस्फीयर। कोई आपसे ये पूछेगा मुझे इनका रेडियस बताओ, तो आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता इनका रेडियस वेडियस क्या है, बट हाँ क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से इन लोगों के बेसिस कैसे हैं इक्वल। ये जो वर्ड होता है ना इक्वल बेसिस, इस इक्वल बेसिस वर्ड का मतलब होता है दोनों के डायमीटर सेम होंगे, दोनों के रेडियसेस सेम होंगे। अगर डायमीटर सेम है तो ऑब्वियस है कि रेडियस भी सेम ही होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर। ये इस क्वेश्चन का गिवन डेटा है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये जो पूरी की पूरी एंटायर लैंग्वेज है ना इसने कंफ्यूज कर दिया कि अरे यार किसका सम निकालना है, किसका कौन सा न्यूमरेटर, कहाँ का न्यूमरेटर, कैसा डिनोमिनेटर, इसने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। तो इस कंफ्यूजन से अलग हटते हैं कैसे, पहले क्वेश्चन को समझ लो कि आखिर इसके पूरे स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है। सम वगैरह हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि आपको सम करना है, सम इन द सेंस आपको चीज़ों को ऐड करना है। किन्हें ऐड करना है, आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है और आपको डिनोमिनेटर को ऐड करना है, मतलब ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो जो भी आंसर आपका फ्रैक्शन में आएगा आपको उस आंसर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में ऐड कर देना है। लेकिन फ्रैक्शन किस चीज़ का, अब ऐसा रैंडमली कोई भी फ्रैक्शन तो नहीं ले सकते, को किस चीज़ का रेशो, आखिर किस चीज़ के रेशो का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपको हाइट ऑफ कोन का रेशो लेना है अपॉन में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का। अच्छा, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो रेशो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकालने को बोला जा रहा है वो रेशो क्या है। न्यूमरेटर में हाइट ऑफ कोन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में रेडियस होना चाहिए किसका, हेमिस्फीयर का। फिर इस रेशो का जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा उस आंसर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना सम, इस वजह से। अगर डिफरेंस बोलता तो माइनस करते, प्रोडक्ट बोलता तो मल्टीप्लाई करते, जो वो कहता उसके अकॉर्डिंग करते, ठीक है। तो पहले तो ये डिड्यूस कर लिया कि आखिर रेशो किसका निकालना है। अब ये रेशो निकालेंगे कैसे, ना मुझे हाइट ऑफ कोन पता है ना मुझे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पता है, फिर आप करें कैसे। तो कंसेप्चुअली जो चीज़ हमको दी गई है क्वेश्चन में वो ये कि दोनों के वॉल्यूम आप लोगों को दिए हुए हैं इक्वल, बराबर। यानी कि यहाँ पे आपको ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपको पता है। अब आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला सबसे पहले। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम इस फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, जिनको वो याद नहीं फिर तो आगे के सवाल तो भूल ही जाओ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच की। अच्छा, एच का एका कोन का, आर का एका कोन का, तो वहाँ नीचे लिखना, सिर्फ आर और एच नहीं लिख देना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, दैट इज 4/3, ठीक है, यही होगा कि 2/3। दो चीज़ें होती हैं सिलेबस में,
एक होता है स्पीयर और एक होता है आप लोगों के पास हेमी स्पीयर। अब यहाँ पर अगर तुमने गड़बड़ कर दी कि 4/3 था कि 2/3 था, तो अगर तुमने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया है और फॉर्मूला गलत कर दिए हो तो भी गड़बड़। तो खैर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर काहे का, हेमी स्पीयर का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेमी स्पीयर। अब इसमें कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना काट सकते हो उतना काटो। दोनों तरफ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो क्वांटिटी बचेगी वो क्या रहेगी, ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड में आर स्क्वायर कोन का मल्टीप्लाई बाय हाइट कोन की इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर क्यूब, किसका, हेमिस्फीयर का। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था स्टार्टिंग में कि वॉल्यूम के अलावा दोनों फिगर के बेसिस सेम होंगे। बेसिस सेम होंगे यानी कि दोनों के रेडियस सेम होंगे, मतलब जो कोन का रेडियस होगा वही रेडियस हेमिस्फीयर का भी होगा। तो अभी लेफ्ट हैंड में आपके पास कोन में क्या है, रेडियस का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में क्या है, रेडियस का क्यूब है। यानी कि अगर मैं कैंसिल आउट भी करूँगी तो कैंसिल आउट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो रेडियस ऑफ स्क्वायर है वो तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ पे हाइट ऑफ कोन बचेगा, राइट हैंड साइड में 2 बचेगा और साथ में 1 रेडियस बचेगा हेमिस्फीयर का। क्यों बचेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेडियस थे एंड राइट हैंड साइड में 3 रेडियस थे, तो 2 और 3 में अगर कैंसिल करोगे तो 1 तो बचेगा ही ना। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि आपको रेशियो इस तरीके से लेना है कि हाइट ऑफ कोन अपॉन में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आना चाहिए। तो ये रेशियो आ गया आपके पास कितना, 2:2। ये वाली क्वांटिटी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या ले गई हूँ, डिवाइड में, तो रेशियो आ गया। अगर पता है तुम लोगों को सवाल इतना भी पूछ लिया जाता ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होता इसको। लेकिन जहाँ इस क्वेश्चन में ये वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया कि फाइंड द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशियो, तो इस एंटायर वर्डिंग की वजह से तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन आया। तो अभी रेशियो निकाल लिया, तो इस पर्टिकुलर रेशियो में आपको ये देखना है कि यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है। तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर वाला डेटा है वो है आपका 2, और यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर वाला डेटा है वो आप लोगों का क्या है, 1। अब क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इसी न्यूमरेटर का और इसी डिनोमिनेटर का सम करना है, यानी कि वो कितना आ जाएगा, 3। सो देयरफोर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि देयरफोर द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं न्यूमरेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बट तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं लोगे, तुम लोगों को पूरा फुल फॉर्म ही लिखना है, ठीक है, ऑफ अ रेशियो इज 3। उस रेशियो का कितना आया है, सम 3। कल को अगर प्रोडक्ट बोलता तो प्रोडक्ट निकालते, डिफरेंस बोलता तो डिफरेंस निकालते। खैर सवाल क्लियर है, तो कुछ भी पूछा जा सकता था, इवन सवाल सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता था कि फलाना फलाना चीज का रेशियो निकालो। तो आपको रेशियो तक तो आना ही था, उसके बाद आपको देखना था सम ऑफ न्यूमरेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो सेक्शन ए का सवाल नंबर 6 का, इसका ये डिस्कशन ख़त्म होता है। इसके आगे वाले वीडियोस में और भी अगर कोई सवाल ऐसा निकल के आता है जो तुम डाउट के में पूछ लेते हो तो अपन उस पर भी बातचीत कर लेंगे।